सूबे के गादी वाले शहर लाहौर में जिप्सी मेले वाली तकरीब मुनक़िद थी गुजरी। पंजाब सोशल वेलफेयर खाते के तावन से बिन डीहन ताई जारी ही मेलो समाजी तंजीम ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट गोद पारा मुनक़िद कराया वो। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में थींदड़ इन जिप्सी मेले जो बुनियादी मकसद जोगिन वारी जिंदगी घारईंदड़ लाडाऊ खानदान के एहसास महरूमी में कढ़ी शहरी सरगर्मियों में हिस्सों वठायण हो। जिप्सी मेले जो इफ्तिताह खादिम आला के मुशीर ज़किया शाहनवाज कयो। मीडिया से गाल बोल कंदे चवण हुयो त जेकी कौमू ए मुल्क आर्ट ए कल्चर के विसारिन थियूं उहे जण पंहिंजो रस्तो भुलजी वञन थियूं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अरेंज किया है, इसमें सेक्रेटरी साहब और हमारे डीजी साहब जो मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने ये सारा अरेंज करके और पूरे पंजाब से लोगों को यहाँ ला के उनका जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो अपने हाथ से उन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं, और जैसे आपने वो कल्चरल डांस देखा था वो सिर्फ चोलिस्तान में होता है, तो उनको भी वहाँ से लेके आए हैं ताकि जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है हम उसको ना भूलें, ताकि हम उसको ना भूलें और हम हर अपने पंजाब के हर डिवीज़न से और हर ज़िले से हमने आज लोग बुलाए हैं और ये सारी मेहनत की हुई है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो एक ज़िंदा डिपार्टमेंट हो, सिर्फ नाम और कागज़ों पे डिपार्टमेंट ना चले। डिपार्टमेंट इंटरेक्शन विद पीपल टू ब्रिंग पीपल फॉरवर्ड, टू इनक्रेज देम, टू मेक देम एंड टू मेक वीमेन इंडिपेंडेंट एंड टू गिव देम अ लाइवलीहुड, टू ट्रेन देम, एंड दैट इज़ वॉट इज़ द पर्पज ऑफ दिस मेला, ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ एंड वेरियस ट्रेड्स एंड आर्ट्स टूगेदर। और हैंडीक्राफ्ट जो है ना, मशीन के आने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो अपनी जगह, मगर हैंडीक्राफ्ट का अपना एक मकाम है, और जहाँ आप अपना आर्ट और कल्चर और अपने ट्रेडिशंस खो बैठते हैं तो वो मुल्क जो होते हैं वो अपना एक रास्ता भूल जाते हैं। तो हमने उस रास्ते को बरकरार रखना है, हमने अपने ट्रेडिशंस और अपना जो है दस्तूर उसको हमने ज़ाया नहीं करना। जिप्सी मेले में लाडाऊ खानदान पारा तैयार कल हथ के हुनर जो शेन वारा स्टॉल के अलावा मुख्तलिफ़ स्टॉल पिण लगाया व्या हुआ। बिन डीहन वे जिप्सी मेले की तकरीब में मुख्तलिफ़ सरगर्मियों वा प्रोग्राम मुनक़िद कराया व्या, जैमें बारड़न में चटाभेटी वा मुकाबला, मारवाड़ी राग, पुतली तमाशा, दोहल वजायण ऐं बिया मुकाबला पिण कराया व्या। जिप्सी मेले में सिंध के थरपारकर, पंजाब के रहीम यार खान वाले इलाकन का सवाए मुल्क के कुंड कुछ खान लाडाऊ खानदान के घुराया वो हो। मेले में शरीक मारवाड़ी फनकारन सिंध टीवी न्यूज़ से गाल बोल कंदे चयो तो ढो सुठो लगी रो है इतने अची, जडे तो हुकूमत का मुतालबो कन था तो अड़ा मेला मुल्क में मुख्तलिफ़ हंधन से लगाया वन फनकार की माली सहायता पिण कई वे। हर साल लगे तो इन मुख्तल जबान जहा मुख्तल कौम जहा मुख्तल इलाक़े खूँ मू जवातन इंदा पाँ काफ़ी कलाम से गाइंदा छोता जो थरपारकर जिलो जो है तमाम घड़ो मशहूर मार्ग आने मिनाटी रोक रहा मुख्य वही खुशी है तो पाकिस्तान जो सब का पैरों शायर जो रामचंद रहीमी साहब आसा गो मौजूद आ गुलूकारा मोहतरमा समीना कोयल साहब आ मां भी पान इलाके के हिसाब से पाँच पाकिस्तान के हिसाब से मां तमाम घणो करे मुख्तल जबान में गाया तो मुझे शहर रहीमर खान चोलस्तान जो नालो मुझे कृष्णलाल भील पूरन भगत साहब ए परदेस भाई या भी घना खोड़ जो हूँ
जी थर्जी कोयल चवंदा फनकारा महरूम माई भागी अड़े नमूने से भी घना जो फन गाइंदा जिप्सी मेले में तसो पाया मुझी तस्वीर लगल आ इत जहा मानून जो प्रेम प्यार इन मोहब्बत ऐसी मुख्यो दाद मिले थी शायद मैं हर महीने इतने जिप्सी मेले में अचा पांजे कौम जा जगा हुकूमत से मैं यो चाहे तो इतने जगह फनकार थरजा रोही चोलस्तान जहा बहरहाल जो फनकार हूँ उन्होंने लिए हुकूमत लाइ थोड़ी मदद कर अवार्ड बैरून दुनिया के लिए कोई वीजे जो ऑफर कन तो रोज गुजर वतन पाकिस्तान जो नालो रोशन कर सकन। जो फंक्शन है बहुत अच्छा किया असा सिंध रोक में रहने वाला हूँ असा के दावत मिली आ असा भी एडा दिस आया हूँ पर बेकरोम भलो थो दिसो है हर मानू इंदा वीडियो मानू बुधा तो फनकार काथू काथू जहाँ आया असाजे साथ किशन भील भी गडा बया फनकार लोग भी आन घा मू वारा अजोको पाग्रोम इतने आ वरी शाम जहाँ हलिया वासी बे प्रोग्राम से इतने जिप्सी मेले में जो अमेन जो मेलो थो इनमें असो सरबराह है भगत कृष्ण लाल भील से गड इतने आया तमाम सुठो लगो प्रोग्राम ढो सुठो थो असा के परफॉर्मेंस जो टाइम भी मिलो है मौको मिलो है तमाम सुठे तरीके जहाँ स्टॉल लगल तमाम सुठे तरीके जो मेलो है असी हुकूमत के पाकिस्तान वालों के चवंदी मलदार उन्होंने चवंदी अड़ा प्रोग्राम असन जो असाफत असा थरी कल्चर ए लिबास असान मारवाड़ी जो उमरकोट में थे तो थर में थे तो रहीमियार खान जो चोलस्तान है उतो जो कल्चर अस मानन के सामू पेश करूँ जी अस टंडे लहर से आयल आयो अस मेले में ढो मज़ो आयो असो उस्ताद कृष्ण लाल भील अस वी आयो अस लाहौर के शहर में ढी खुशी मिली इन मेले में अचण से आए असी खुशी थी है असा मौका मिलंदा असावती वेस है थरी वेस है अड़ा मौका मिलंदा तो अस गाइंदा ही रही। सोशल वेलफेयर खाते के डायरेक्टर जनरल मीडिया से गाल बोल कंदे तो ही मेलो बेन मेलन का मुख्तलिफ़ अहम है। ये पहले भी मेले लाहौर वैसे भी मशहूर है मेले ठेले यहाँ पे नुमाइशें भी लगती हैं यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं मतलब स्पोर्ट्स भी होती हैं तो ये मेला जो है इसको हमने जिप्सी मेले का नाम दिया है। ये आम मेलों से मुख्तलिफ इसलिए है कि यहाँ पे हमने उन लोगों को सेलेक्ट किया है जो डिप्राइव्ड हैं जो मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जिन्हें कभी हमने शहरी एक्टिविटीज़ में नहीं बुलाया। इसमें आप देखें जिनको हम चंगड़ कहते हैं वो हैं इसमें झुग्गी वास लोग हैं इसमें जो मतलब घरों में फिरकर कलेक्शन करते हैं गदागर जिन्हें आप कहते हैं मतलब ये लोग आम सोसाइटी से कट ऑफ हैं। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को इस धारे में शामिल किया जाए ये भी एक शहरी हैं और आपने देखा होगा कि ये हर आदमी जो है उसमें टैलेंट है ये अपना टैलेंट लेकर आए हैं। अब मैडम जिस तरह कह रही हैं कि उस इलाके का ये जो डांस है ये आपको किसी थिएटर में कहीं सिनेमे में आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन इन लोगों ने जो नुमाइंदगी की है कि वहाँ का जो कल्चर है वहाँ की जो कन्वेंशन है वहाँ की रसूमात जो हैं उनको हमने अपनी मिट्टी के हमारी जो वाबस्तगी है उसको हमने ज़िंदा रखना है और उसके लिए एक ही सहारा है एक ही ज़रिया है कि हम उन लोगों को भी शहरों में लाएँ ताकि इन लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ये लोग बिल्कुल अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं हैं। इनका काम देखें हर आदमी अपने अपने फील्ड में उसकी एक स्पेशलिटी है एक एक्सपर्टी है वो आपके सामने अंदाज़ा आपको होगा कि घरों में बैठकर ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उनमें इन्होंने कितनी खूबसूरती पैदा की है। जिप्सी मेले के बिन डीह सरगर्म में सिंध पंजाब के मुख्तलिफ जिलों में आयल लाडाऊ खानदान औरतन मर्दन बार भरपूर शिरकत कई। समाजी तंजीम गोद पंजाब के समाजी भलाई वाले खाते पारा लाडाऊ खानदान के एक हंध गड कर मुख्तलिफ तफरीही तामीरी सरगर्म में हिस्सों वठण साराह जोगो अमल है जैसा न सिर्फ मुआशरे का कटियल अड़न मानून में एहसास महरूमी घट थी तो बे पासे अड़े खानदान के नौजवान औरतुन में मौजूद टैलेंट पिण उजागर थी मुआशरे की बेहतर जोड़जक पिण थी।